हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति झा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज है अनंत चतुर्दशी। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ। अब मैं जाऊँगी मंदिर पूजा करने, तो आप लोग को हो सकता है थोड़ा कुछ दिखाऊँगी या नहीं भी दिखा सकती हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए फिर। तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। ओम श्री विष्णुवे नमः। धूप देव का देवानं धूपं धूपं ग्रामे देवं दर्शयामि। देव रूप देव जल रहा से बाहर ऐसे भाव दिखाइए ना हाथ में। ओम हरि तो प्रचालम श्री के स्वाहा। पूजा होने के बाद अनंत को घर ले आई। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। मैं सुबह के 9 बजे गई थी मंदिर। अभी 11:20 हो रहा है, तो पूजा में तो लेट हो ही जाता है। मैं ज़्यादा कुछ वीडियो ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, और पूजा पाठ में अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ आप वीडियो बनाएं। टप्पू खेल रहा है तो उसी की गाड़ी की आवाज़ आ रही है। अभी संडे है, आज जीत भी घर पर नहीं है। आने के बाद बहुत ज़्यादा थोड़ी थकान थकान सी हो गई है, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अभी अपने लिए एक कप चाय। चाय पीने के बाद एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद मैं नाश्ता कर लूँगी, या चाय पीते पीते साथ में मैं नाश्ता भी कर लूँगी। नाश्ते में मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया है। टप्पू सिर्फ दूध केला खाया है, बस वो यही खाकर गया था। अभी मैं अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। जब कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर चले गए हो, और जब आप घर में बिल्कुल अकेले हो तो आपको अपने लिए आप कुछ भी बनाकर खा लेती हैं, प्रॉपर खाना नहीं बनाकर खा पाते। मेरे साथ तो ये होता है। मैं करती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ तो सोचती हूँ कि क्या अब उतना तामझाम किया जाए, किसके लिए किया जाए, सिर्फ मैं ही तो हूँ। तो मैं बस चावल में सब्जियों को मिक्स करके, कभी पराठे कुछ आटे में ही सब्जी या कोई साग वगैरह डाल के बना कर खा लेती हूँ। और टप्पू तो मेरे साथ खा ही लेता है, कभी मूंग दाल की खिचड़ी, कभी दलिया, बस यही खा लेती हूँ। साथ तो हमेशा होता है। आज जीत आने वाले हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, तो अभी से मैं उनका पसंद का सारा खाना आज मैं बनाऊंगी, क्योंकि वो पूरे 1 वीक के बाद आ रहे हैं। मुंबई गए हुए थे मम्मी के इलाज के लिए, रूटीन चेकअप के लिए जो मम्मी जी का होता है, आज आ रहे हैं।